हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब। तो आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल एजुटेनमेंट हब के इस परिवार में। तो आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चन देंगे। तो आई होप कि आप लोग इस वीडियो के एंड तक बने रहे और आप लोगों को कितने क्वेश्चन के आंसर पता थे कमेंट में ज़रूर बताएं। तो आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है। ऑप्शन है झांसी, ऑप्शन बी सिकरी, ऑप्शन सी चित्तौड़गढ़, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपके पास अब सिर्फ 5 सेकंड का समय जवाब देने के लिए। अगर आप लोग को इसका जवाब पता है तो कमेंट में फटाफट से जवाब बताएं। तो टाइम स्टार्ट होता है अब। तो इसका जवाब है ऑप्शन सी चित्तौड़गढ़। तो आज का हमारा है दूसरा क्वेश्चन, संत कबीर के सम्मान में मगहर महोत्सव प्रारंभ किया था वर्ष। ऑप्शन ए 1999 में, ऑप्शन बी 1990 में, ऑप्शन सी 1987 में, ऑप्शन डी 1986 में। तो आपके पास 5 सेकंड का समय उत्तर देने के लिए। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 1990 में। आज का हमारा है तीसरा क्वेश्चन, महात्मा गांधी सेतु का उद्घाटन में हुआ था। ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1965, ऑप्शन डी 1982। तो आपके पास 5 सेकंड का समय उत्तर देने के लिए। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी 1982। तो आज का हमारा है चौथा क्वेश्चन, हरियाणा भाषा को किस मुख्य बोली का प्रारूप माना जाता है। ऑप्शन ए कोरवी, ऑप्शन बी पंजाबी, ऑप्शन सी उर्दू, ऑप्शन डी हिंदी। तो आपके पास 5 सेकंड का समय उत्तर देने के लिए। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए कोरवी। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी इलाहाबाद, ऑप्शन सी पटना या ऑप्शन डी लखनऊ। तो आपके पास अब सिर्फ 5 सेकंड का समय जवाब देने के लिए। अगर आप लोगों को इसका जवाब पता है तो कमेंट में फटाफट से जवाब बताएं। तो टाइम स्टार्ट होता है अब। तो इसका जवाब है ऑप्शन डी लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 6 है, अष्टाध्यायी की रचना किसने की थी। ऑप्शन ए महर्षि वाल्मीकि, ऑप्शन बी महर्षि वेदव्यास, ऑप्शन सी महर्षि पाणिनि, ऑप्शन डी मेगास्थनीस। आपके पास अब सिर्फ 5 सेकंड का टाइम है उत्तर देने के लिए। इसका उत्तर है ऑप्शन सी महर्षि पाणिनि। क्वेश्चन नंबर 7 है, पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन थे। ऑप्शन ए शिकार, ऑप्शन बी जुआ, ऑप्शन सी संगीत या ऑप्शन डी घुड़सवारी। तो आपके पास अब सिर्फ 5 सेकंड का समय जवाब देने के लिए। अगर आप लोग को इसका जवाब पता है तो कमेंट में फटाफट से जवाब बताएं। तो टाइम स्टार्ट होता है अब। तो इसका जवाब है ऑप्शन ए शिकार। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज पाल कौन थे। ऑप्शन ए लॉर्ड पटली एटली कट, ऑप्शन ए लॉर्ड एटली, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन सी इनमें से कोई नहीं। तो आपके पास अब सिर्फ 5 सेकंड का समय जवाब देने के लिए। अगर आप लोग को इसका जवाब पता है तो कमेंट में फटाफट से जवाब बताएं। तो टाइम स्टार्ट होता है अब। तो इसका जवाब है ऑप्शन सी लॉर्ड माउंटबेटन। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, नवोदय विद्यालय में दाखिला किस कक्षा में होता है। ऑप्शन है पहली, ऑप्शन बी सातवीं, ऑप्शन सी छठी या ऑप्शन डी चौथी। तो आपके पास अब सिर्फ 5 सेकंड का समय है जवाब देने के लिए। अगर आप लोगों को इसका जवाब पता है तो कमेंट में फटाफट से जवाब बताएं। तो टाइम स्टार्ट होता है अब। तो इसका जवाब है ऑप्शन सी छठी। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, रामायण के किन पात्रों का जन्म माना जाता है कि राम तीर्थ अमृतसर में हुआ था। ऑप्शन ए लक्ष्मण, ऑप्शन बी विश्वामित्र, ऑप्शन सी इंद्रजीत, ऑप्शन डी लवकुश। तो आपके पास 5 सेकंड का समय उत्तर देने के लिए। अगर आपको इसका आंसर आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी लव और कुश। ये हमारे आज के 10 इम्पॉर्टेंट
जीके क्वेश्चन, आई होप कि आपने अपने आप को रैंक किया होगा, कमेंट में बताया होगा कि आपको कितने क्वेश्चन के आंसर पता थे। ऐसे यूजफुल कंटेंट जब भी आते हैं तो आपके पास टाइम टू टाइम उपलब्ध हो। तो हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।